हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना कुकिंग किचन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सबकी दुआ से हम लोग भी अच्छे। आज हम क्या बनाने वाले हो? अस्सलाम वालेकुम, आज मैं भरवा बैगन बनाने वाली हूँ। बिंजर, चलो पूरा वीडियो ना देखते रहो। बिंजर, छह बिंजर लिया, एक बिंजर को दिखाती हूँ कैसे कट करते हैं। ये देखो, थोड़ा थोड़ा कट करने का, नहीं तो बीच में से फाड़ने जाएगा तो क्या होगा, दो टुकड़े हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और इसको अगर काटना है तो काटो, बहुत सख्त हो, नहीं काट सकते। फिर अभी मैंने इसे काट ली, काट के मम्मी ने देखो बिंजर फ्राई कर लिए। अब इसको क्या करोगे तुम? अभी मैं इसका अभी मसाला तैयार करूँगी। अच्छा, चलो अभी क्या करोगे? अभी मैंने इसमें कोकोनट पीस के रखी, सिल में पिसा हुआ है, ये सिल में पिसा, और सेंग पीसी, ये भी सिल में है, चिली मिक्सर का है, मिक्सर का, अदरक लहसुन सिल में, और अदरक लहसुन सिल में। चलो मैं अभी एक एक करके जो मसाला जो अंदर बेगन जिंजर का अंदर डालेंगे, उसका अंदर डालने के लिए मसाला तैयार कर। टेबल ये चम्मच भर के, एक चम्मच मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरे पाउडर, एक चम्मच आधा चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर है, और आधा एक चम्मच कम है लेकिन धनिया, गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, सब डाल दे रही हूँ। उसके बाद ये धनिया थोड़ा कम पड़ गया ना, अच्छा काट ली के थोड़ा सा डाल दोगे ना, थोड़ा सा डाल देती हूँ, ये देखो। अच्छा ठीक है, ठीक है, डालोगे? अभी मैं थोड़ा सा नींबू का खट्टा डालूँगी, उससे क्या होगा, इसमें से थोड़ा खट्टापन अच्छा रहेगा। दो चम्मच इसमें डालूँगी, और जब मैं ग्रेवी बनाऊँगी तब उसमें अभी क्या डालोगे? अभी थोड़ा सा नमक, नमक तो साधारण सब देने का। अभी अभी इसको थोड़ा सा, अभी ड्राई हो गया, थोड़ा सा खट्टा डाल देती हूँ, नींबू का खट्टा, खुशबू अच्छी आ रही है एकदम मस्त। अभी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, ड्राई हो रहा है ना, ड्राई हो रहा है। तो बिंजर आपको बताए थे फ्राई करके जो रखे थे ना, अभी एक एक थोड़ा थोड़ा करके उसमें ना जो मसाला भी करे थे ना वो डाल देंगे मम्मी उसमें। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखकर मस्त लग रहा है। अभी जो मम्मी पहले जो आप लोग को बताए थे ना बिंजर फ्राई करके रखे थे, वो उसी में अभी ग्रेवी का तैयारी करेंगे, वही तेल में अभी मैं ग्रेवी बनाऊंगी। हाँ वही बोली, ये चम्मच का दो चम्मच तेल डाली थी मैं। ओके, अब क्या करोगे? अभी तेज पत्ता डालूंगी बिस्मिल्लाह बोल के, उसके बाद सूखी मिर्ची डालूंगी, मतलब दो, मतलब एक मिर्ची का दो टुकड़े करी। हाँ वही, और चम्मच भर के, और छोटा वाला चम्मच किधर गया, ये छोटा चम्मच भर के एक चम्मच जीरा डाल दिया। हो गया, अभी जो एक कांदा बारीक चॉप करके रखी वो डाल देती हूँ। अभी अभी इसको थोड़ा सा ब्राउन होने दो। अभी ये जो जिंजर जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, मसाला वाला, मसाला भरवा बिंजर, तो इसको रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, किसी के साथ भी खाओ, ऐसे भी खाओगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा, बैठ के भी खाओ। तो गे? अभी थोड़ा सा इसको फ्राई होने दो। ओके, रोटी से जो फिर जो मसाला जो भरवा में बिंजर में डाले थे ना वही डालोगे, बचा हुआ है उसमें थोड़ा, फिर जो भी मिलाना है वो मिला के दिखाऊंगी क्या क्या मिलाती हूँ। ठीक है, अभी जो बिंजर में जो मसाला जो भरी थी ना वो मसाला में अभी दो ये दे डाल दूंगी, दो चम्मच इसको मैं धो के ले लूंगी। अभी दो टमाटर को मैंने सील में पीसी, वे भी सील पिसा हुआ है, वो डालूंगी, वो डाल देती हूँ, और इसको मिक्स करके मैं देखो। हाँ अच्छा, एकदम मस्त हो गया, एकदम मस्त हो गया मम्मी, देखो। चलो अभी ये डाल देती हूँ इसमें, मस्त एकदम, तो कैसे भून लोगे इसको? ये देखो मम्मी, खुशबू माशाल्लाह, जबरदस्त खुशबू आ रही है। हाँ माशाल्लाह, तो इसको बना के मतलब आराम से खा सकते हैं। हाँ अभी क्या करोगे? अभी मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, ऊपर तक तेल आ गया, ये जो मसाला जो इसमें जो मैरिनेशन करी थी ना उसी का ही पानी है, उसका ही पानी धो के डाल दूंगी मैं।
तेल ऊपर ऊपर आ गया, देखो तेल ऊपर आ गया अम्मी, जबरदस्त लग रहा है। ग्रेवी खाना है ग्रेवी खा सकते हैं, जिसको एकदम गाढ़ा, जिसको गाढ़ा खाना है गाढ़ा खाओ, अगर जिसको थोड़ा पतला पानी पानी जैसा रहता है ना, मैं बोलती हूँ मेरे भाषा में बोलती हूँ, जितने शुरो खाना है शुरो खा सकते हैं, जिसको गाढ़ा खाना है गाढ़ा खा सकते हैं। अभी क्या करोगे? अभी ये जो पानी बचा हुआ डाल दूंगी, अब मेरा मसाला पूरा तरीका से भून गया, नमक वमक सब चाट ली देख ली, अब इसके अंदर अभी मैं जो बिंजर है वो डाल दूंगी, भरा हुआ बिंजर तल के रखी वो डाल दूंगी अभी। ओके अभी थोड़ा सा नींबू का खट्टा डाल दूंगी, लेकिन पहले जो है ना उसमें डाली थी ना बहुत खट्टा खट्टा हो गया, डालूंगी बस। अभी अभी मसाला भुन गया, उबल आ गया, अभी डाल देंगे बिस्मिल्लाह बोल के, एक एक करके सब डाल देंगे। डाल दो एक एक करके सब। इसको मैं ढक दूंगी थोड़ा गलने तक, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या करोगे? अभी मैं इसको देखती हूँ कैसा हुआ। ओ वाओ मस्त एकदम, देखो हो गया। अभी इसको मैं गैस बंद, अभी क्या करोगे? इसको अभी मैं निकालूंगी एक एक करके। आहा मैं अपना इसको आराम से पहले मैंने काट के भूनी है इसको, मतलब तल ली, क्या फ्राई कर लिए, फिर उसके अंदर मसाला भरी मैं। बाप रे बाप इतना मेहनत। और मैंने अभी कितना सेंग डाली, कोकोनट और क्या अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट। अच्छा ये देखो ये बेचारा इतना छोटा क्यों हो गया, छोटा क्यों है वो, तलते तलते निकल गया। अच्छा तो छोटा बन गया, छोटा ला मैं छोटी हूँ ना, मैं छोटा ला मैं खा लूंगी। मस्त एकदम मस्त ग्रेवी, जबरदस्त ग्रेवी। देखो अभी ये जो भरवा बिंजर झटपट बन गया और कितना जबरदस्त बना है, जितना इतना टेस्टी बने, मतलब खाने वाले लोग के मुंह पे पानी आ जाएगा, बना के नहीं खाएगा तो मालूम पड़ेगा, हाँ नहीं पता चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग को ये ग्रेवी बिंजर ग्रेवी कैसा लगा, भरवा बिंजर, हाँ वही भरवा बिंजर ग्रेवी। चलो वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। कल फिर और एक एक नया आप लोग को अगर खाना रहेगा ना नया तो आप लोग हम लोग को कमेंट बॉक्स में बोलना कि आप लोग ये बन करके बताना कि आप लोग को कौन सा और अच्छा अच्छा नया नया रेसिपी देखने का है, तो हम लोग को लगेगा कि हाँ चलो कोई तो कमेंट करके बोल रहा है कि नया और रेसिपी अच्छा बनाओ, तो हम लोग फिर आपके रिक्वेस्ट से हम लोग नया अच्छा अच्छा रेसिपी बनाएंगे। चलो वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय, अल्लाह मालिक खुदा हाफिज़।